नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है सुमित राठी कैसे हैं आप आप सब सही हैं सो हम बात क्या कर रहे थे दोस्तों हम बात कर रहे थे पॉलिटी की ठीक है पॉलिटी के अंदर में बहुत सारी चीजें हमारी पढ़ गई थी भाई हमने पढ़ लिया था ठीक है यहाँ से हमने स्टार्ट किया था पॉलिटी का जो पहला जो पड़ाव था हमारा वो हम डिस्कस कर रहे थे यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में और स्टेट एग्जीक्यूटिव इकट्ठा में लेके चल रहा था दोस्तों तो हमारी जो बात हुई थी दोस्तों वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और गवर्नर को लेकर चल रही थी तो हमने यहाँ तक बातें कर ली थी क्लास नंबर तीन पे हम आ गए थे तो ये आज हमारी फोर्थ क्लास है ठीक है सो आज अगर हम देखेंगे तो हम ये सब हम पढ़ चुके हैं ठीक है ऑलरेडी जिन्होंने नहीं देखा है कि पिछले क्लास में जाके एक बार देख लेना पावर्स पे थे हम ठीक है शक्ति पे थे तो पावर्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और इन्हीं डिस्कशन को हम आगे यहाँ पे बढ़ाएंगे ठीक है तो पावर शक्ति देखिए पहले तो मैं एक दो स्ट्रक्चर बता दूं जिन बच्चे अभी मान लो जुड़े हैं हमारे साथ बीच में नहीं थे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों के अपेक्षा ठीक है जो बाकी लोग पढ़ा रहे हैं जैसे उनसे उस तरीके से हम नहीं पढ़ा रहे हैं और चीज़ें हम थोड़े अलग तरीके से कर रहे हैं गुड इवनिंग सभी को यार गुड इवनिंग कैसे कर रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मैंने क्या किया देखो हमारा जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया वो हमने एग्जीक्यूटिव को स्टार्ट किया एग्जीक्यूटिव यहां पर जो तो स्टैंड करता है इट स्टैंड फॉर कार्यपालिका ठीक है कार्यपालिका के अंदर में हमने दो भाग बताए क्योंकि इंडिया में फेडरल सिस्टम है तो मैंने कहा दो प्रकार की चीजें हैं एक तरफ होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव एक तरफ है यूनियन एग्जीक्यूटिव और दूसरी तरफ जो है मेरे पास वो है मेरा स्टेट एग्जीक्यूटिव ठीक है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम बोलते हैं दोस्तों राज्य कार्यपालिका ठीक है और यहां पर जो है इसको हम बोलते हैं आपका केंद्रीय कार्यपालिका केंद्रीय कार्यपालिका आप मेरी बात समझे ठीक है अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग हैं भाई सर इसके अंदर में हमारे पास पांच लोग हमने माने पहला जो व्यक्ति इसमें आता है वो आता है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट दूसरा जो आता है वो आता है दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट फिर जो आता है वो आते हैं प्राइम मिनिस्टर ठीक है फिर आते हैं इसके अंदर उनको हम कहते हैं दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सी ओ एम एंड लास्ट में आता है हमारे पास अटॉर्नी जनरल राज्य में भी ऐसा ही था दोस्तों राज्य में क्या क्या है देखो गवर्नर ठीक है इसके बाद वाइस गवर्नर की यहाँ पर देखो कोई पोस्ट होती नहीं है मैंने आपको बताया था ये होते नहीं है उसके बाद वहां प्राइम मिनिस्टर था तो यहाँ पे क्या था दोस्तों यहाँ पे थे हमारे पास चीफ मिनिस्टर ठीक है और यहां पर भी हमारे पास क्या था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तीन शिकार किए ठीक है पूरे में हम इसको एक साथ लेके बढ़ रहे हैं इसीलिए देखो जहां पर भी हमने देखा ठीक है यहां पर अगर आप देखोगे तो हमने दोनों चीजों को एक साथ रखा ठीक है गवर्नर और इनका अगर आप देखोगे स्टार्टिंग से ही मैं आपको बस दिखा रहा हूं ठीक है जैसे यहाँ पे देखा हमने का मैंने कहा देखो ये तीन चीज़ इकट्ठी लेके हम पढ़ रहे हैं फिर मैंने बताया भाई प्रेजिडेंट वर्सेज वाइस प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट कहाँ है आर्टिकल बाउं वाइस प्रेजिडेंट यहाँ रखा प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट के बाद ही मैंने गवर्नर को यहाँ रखा भाई गवर्नर कैसे आएगा ठीक है वो कहाँ से आता है क्या कंडीशन है क्वालिफिकेशन क्या है इन दोनों के लिए फिर मैंने यहाँ पे बताया भाई आपका इलेक्शन कैसे होता है चुनाव कैसे होता है इसके बाद मैंने गवर्नर की बताया फिर हमने इलेक्शन का प्रोसेस बताया भाई ठीक है मैनर ऑफ इलेक्शन तो वहाँ बताया एकल कल संक्रमणीय मतदान विधि फिर हमने बताया भाई गवर्नर का क्या है गवर्नर का भाई कुछ नहीं होता गवर्नर को सीधा राष्ट्रपति अपॉइंट करता है ठीक है गवर्नर को और इसमें चलती किसकी है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर क्योंकि ही इज़ द हेड ऑफ़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ठीक है ये बताया हमने फिर हमने बताया कि दोनों का इलेक्शन के लिए योग्यता क्या होती है वट आर द क्वालिफिकेशन विच आर रिक्वायर्ड प्रेजिडेंट के लिए ये क्वालिफिकेशन है वाइस प्रेजिडेंट के लिए है. तो फिर गवर्नर के लिए क्या है ठीक है इसको हमने साइड किया हमने यहाँ पे गवर्नर के बारे में बता दी ठीक है कि गवर्नर में क्या होना चाहिए ये आपका सॉरी ये नॉमिनेशन प्रोसेस थी मैंने बताया ये राष्ट्रपति के लिए वाइस प्रेजिडेंट के लिए ये गवर्नर के लिए था भाई भारत का नागरिक होना चाहिए पैंतीस साल कंप्लीट कर ले ठीक है ही शुड बी ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्चर एंड इज़ नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये भी हमने बता दिया फिर हमने चुनाव के बारे में बताया कि इलेक्शन जो है यहाँ पर देखोगे तो आर्टिकल यहाँ पर जो चुनाव होता है उसके सॉरी ये चुनाव नहीं है यहाँ पे ओथ आ जाना चाहिए बट ये इनकरेक्ट हो गया डोंट वरी ठीक है यहाँ पे ओथ आ जाएगा तो ओथ कौन दिलाता है दोस्तों अगर ओथ राष्ट्रपति को देखें तो कौन दिलाएगा उपराष्ट्रपति को देखें तो कौन दिलाएगा ये बात होगी हमारी ठीक है ये मुझे ना मेरे ध्यान नहीं रहा है मुझे चेंज करना पड़ेगा सारी के अंदर ना कई बार ऐसा होता है यार छोटी छोटी छु� चीज़ें ना भूल जाते हैं अपन छूट जाती हैं तो यहाँ पे आ गए हम अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों टर्म की बात हुई कार्यकाल की बात हुई तो कार्यकाल भी बात हमने यहाँ पे की ये कार्यकाल की बात की थी फिर इसका कार्यकाल कितना होगा इस पर बात की हमने फिर हमने बताया हटाया कैसे जाएगा रिमूवल इम्पीचमेंट है ना इम्पीचमेंट निष्कासन के लिए महाभियोग चलेगा तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलेगा आर्टिकल 61 के तहत ये मैंने पूरी प्रोसेस बताई कौन भाग लेता है पार्लियामेंट में स्टेट लेजिस्चर में कौन भाग लेता है ये मैंने यहाँ पर डिस्कस किया सारा यहाँ पर बताया उसके बाद हमारा हुआ रिमूवल इम्पीचमेंट किसके बारे में दोस्तों ये वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल सिक्स सिक्सटी सेवन में इनको हटाया जाता है रिमूवल का कोई ग्राउंड नहीं है इनकेपेसिटी और वांट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रायर नोटिस मैंने बताया था फोर्टीन डेज का दिया जाएगा इसके लिए सिर्फ राज्यसभा की जरूरत होती है और वो भी स्पेशल मेजोरिटी फिर उसके बाद हमने बात की कि इसकी गवर्नर गवर्नर के लिए कुछ नहीं है दोस्तों गवर्नर में जब भी मैंने बताया सरकार चेंज होती है सेंटर के अंदर में तो वो इनको हटवा देते हैं ये पिछली क्लास में मैंने बताया था ठीक है अब देखो ये तीर सारे के सारे चलाए किसके कंधे पर रख के जाते हैं प्रेसिडेंट के ठीक है प्रेसिडेंट बोलता है कि भैया अब तुम हट जाओ तुम अपना इस्तीफा दे दो लेकिन इस्तीफा आया कहाँ से है दोस्तों जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड हैं जनरली ऐसा ही होता है मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि भाई दो हज़ार चौदह में सॉरी दो हज़ार चौबीस में अब जनरल इलेक्शन है लोकसभा के तो कल को मान लो लोकसभा के अंदर में चुनाव में अगर कांग्रेस और जो इंडिया बनी है वो जीत जाते हैं तो ऐसी अवस्था के अंदर में क्या होगा दोस्तों ठीक है जितने भी जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है जिनमें पहले बीजेपी ने गवर्नर भेजे हुए थे उन सारे गवर्नर को क्या कर दिया जाएगा रिमूव कर दिया जाएगा ये एक नेचुरल प्रोसेस है ठीक है और या तो ये खुद ही रिजाइन दे देते हैं जैसे ही सरकार बदलती है ना तो गवर्नर भी, भी बेचारे इनके भी शर्म होती है इनको पता है यार अब बिना मतलब में जिल्लत सहनी पड़ेगी तो कई क्या होते हैं खुद ही खुद अपना रेजिग्नेशन देते हैं कि भाई हमें नहीं पड़ना इन झंझटों में भाई तुम हटा दो ठीक है वो भी होता है अब बात करते हैं दोस्तों शक्ति की राष्ट्रपति की शक्ति और उपराष्ट्रपति की शक्ति राष्ट्रपति के पास एक लंबी चौड़ी फेयर लिस्ट है है ना एग्जीक्यूटिव पावर लेजिस्लेटिव और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता ये कोई पढ़ाता तुम्हें ये कोई नहीं पढ़ाता तुम यहीं पे अटक जाते हैं हम खुश हो जाते हैं कि ओहो ये बता दिया ठीक है लेकिन वी आर डिस्कसिंग इट इन एवरी ईच एंड एवरी सिंगल पावर हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ ठीक है और आपको लगेगा अभी इतने एक्सटेंसिव में डिस्कस करूंगा कि इसमें दो से तीन दिन लगेंगे हमें इन पावर पावर को पढ़ने में वाइस प्रेसिडेंट के पास देखो यार इसके पास एक ही पावर है पावर क्या है भाई इनको कहा गया कि आप जाओ और चुपचाप से राज्यसभा जो है ना उसके आप प्रेसाइडिंग ऑफिसर बनो आप उनके अध्यक्ष बनो राज्यसभा को आप चलाओ राज्यसभा के मॉनिटर के रूप में काम करोगे आप ठीक है तो राज्यसभा आपका जिम आपका जिम है जैसे लोकसभा स्पीकर का राज्यसभा इनका बाकी इनके पास एक पावर क्या है कि भैया जब राष्ट्रपति टेम्प्रेरी रूप से परमानेंट है राष्ट्रपति नहीं है तो चुनाव होगा लेकिन अगर टेम्प्रेरी रूप से राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं है तो इनको कहा जाता है कि आप राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लो यहां पर अगर आप ध्यान दो, दोस्तों तो यहां पर इनके पास देखो इतनी सारी पावर है ये सारी पावर अब ये जो पावर है राष्ट्रपति की समवेयर डाउन द लाइन ये जो पावर है ऐसी ही पावर किसके पास होती है गवर्नर के पास है ना एटलीस्ट ये तीन से चार पावर तो बिल्कुल ऐसी ही होती है सेम सेम टाइप की मान लो आप इसीलिए मैंने कहा कि यहां पर भी कंपैरिजन करके अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा और वही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा तो जैसे इनकी शक्ति थी यहां पर देखो गवर्नर के पास कौन सी शक्ति है अब ये गवर्नर में मैंने ये फोटो क्यों लगाया ठीक है ये प्रतिभा प्रतिभा कह रहा हूं ठीक है आनंदीबेन पटेल है और ये फिलहाल गवर्नर है कि दोस्तों यूपी की उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है इसीलिए मैंने इनका फोटो यहाँ लगाया है गवर्नर है तो इनके पास भी देखो एग्जीक्यूटिव पावर होती है जैसे इनके पास ये चार पावर बताई ना मैंने ऐसे इनके पास देखो पहली पावर एग्जीक्यूटिव दूसरी पावर लेजिस्लेचर तीसरी पावर फाइनेंशियल और चौथी पावर यहाँ क्या होती है जुडिशियल पावर चार पावर इनके पास में भी होती है अब मैं क्या करूंगा ना दोस्तों ये जो पावर है और ये पावर इनको इकट्ठा करके हम पढ़ेंगे साथ साथ रिलेट करके पढ़ेंगे रही बात डिप्लोमेटिक पावर मिलिट्री पावर और एमरजेंसी मेकिंग पावर ये तीन पावर जो है ये गवर्नर के पास नहीं होती गवर्नर इमरजेंसी नहीं लागू करता गवर्नर के पास किसी मिलिट्री का कोई हेड नहीं होता भाई राष्ट्रपति जो है इज़ द हेड एंड कमांडर ऑफ द मिलिट्री इंडिया के पास जितनी भी फोर्सेज है सबका हेड होता है सुप्रीम कमांडर मानते हैं ऐसा कुछ इनके पास नहीं है कि इनके पास भी कोई स्टेट की भाई अलग से सेना है उसके नहीं ऐसा नहीं है ठीक है स्टेट पुलिस होती है दैट इज अ डिफरेंट थिंग स्टेट पुलिस वो यूनियन स्टेट होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है स्टेट के गृह मंत्रालय के अंदर आती है बाकी इनके पास ना डिप्लोमेटिक पावर है इमरजेंसी में इनका कोई रोल नहीं है स्टेट के अंदर जब राष्ट्रपति शासन लगाना होता है तो बस ये रिकमेंड करते हैं वो भी इनकी एग्जीक्यूटिव पावर है ठीक है वो भी इनकी कौन सी पावर है दोस्तों आपकी कार्यपालिका संबंधी शक्ति होती है अब एक एक करके हम पढ़ते हैं देखो इनका बताया था मैंने एग्जीक्यूटिव पावर ये थोड़ा सा ना एक्सटेंसिव है ठीक है यहां पर अगर आप देखोगे थोड़ा सा एक्सटेंसिव है हर जगह बाकी फ्लो चार्ट भी अपना अपने वाला तरीका भी है बट कुछ कुछ जगह वो चीजें एक्सटेंसिव है तो वो हमें उसी प्रकार से पढ़नी है टेंशन नहीं लेना देखो कौन है हमारी हमारे देश की राष्ट्रपति हैं ठीक है देखो राष्ट्रपति तो है ही है साथ साथ में क्या है मित्रों ये मैं आपको बताऊं ये आर्टिकल 53 के तहत आर्टिकल 52 में तो क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया जाता था अब आप सोच रहे हो सर हमें तो आप इतना आर्टिकल बता रहे हो आप कह रहे थे आर्टिकल याद नहीं करना पड़ेगा मैं क्या क्या कह रहा हूँ दोस्तों आपको एक बात समझो ठीक है आप जब छोटे बच्चे थे ना तो आपको खाना खाना नहीं आता था आप क्या करते थे खाना ले भी लेते थे ना हाथ से तो कोई इधर लगा लेता था कोई इधर लगा लेता था बट आज बताओ आज तुम खाना खा रहे हो लाइट चली जाए तो एक बार तो आप अंधेरे में भी खाना खा सकते हो आपको प्रैक्टिस है ना तो इतने नंबर ऑफ टाइम इतने अच्छे से आपको चीजें पढ़नी है ना ये चीजें ये प्रोसेस आपके दिमाग में छप जाए आर्टिकल इज नो बिग डील आर्टिकल कोई बड़ा कंसर्न नहीं है मैंने कभी आर्टिकल याद नहीं किया बट मैं कह रहा हूं ऑलमोस्ट मुझे सारे आर्टिकल याद है ओ, पॉलिटी तो मैंने पढ़ने ही छह सात साल पहले बंद कर दी थी यार छह साल पहले मैंने कभी पॉलिटी पढ़ी होगी मैं आपको सच बता रहा हूं ठीक है तब से पॉलिटी मैंने पढ़ी ही नहीं है बंद है पॉलिटी पढ़ना लेकिन आज तक मेरे को चीजें याद है पर एक बार मैं पढ़ लू सब कुछ मेरे को दोबारा ताजा हो जाएगा इस तरीके से हमें पॉलिटी पढ़नी है तो मैं कह रहा हूं समझने पे जोर देना है याद कुछ ना हो रहा मत जाना दो बाढ़ में जाओ प्रोसेस देखो क्या हो रहा है कैसे हो रहा है तो सबसे पहले मैंने बताया था कि भाई ये जो है राष्ट्रपति जो है इज द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव अगर ये केंद्रीय कार्यपालिका के प्रमुख है भैया तो केंद्रीय कार्यपालिका जितने जो जो भी डिसीजन होंगे केंद्र की कार्यपालिका के वो किसके नाम पे लिए जाएंगे और सी बात है वो इन्हीं के नाम पे लिए जाएंगे तो राष्ट्रपति जो होता है ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होता है एंड ऑल दी एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेजिडेंट पहली बात यही है भैया ठीक है और यही बात आर्टिकल 53 में लिखी भी हुई है है ना कि सारे कार्यकारी संबंधी डिसीजन भारत सरकार के कौन लेंगे सिंपल सी बात है राष्ट्रपति के नाम पे ली जाएंगे यही बात बस आर्टिकल 53 में कह दी गई है दूसरा यार इनके पास ना बहुत सारी नॉमिनेशन करने वाली अपॉइंटमेंट मेकिंग पावर होती है ठीक है अपॉइंटमेंट ये बहुत करते हैं अब अपॉइंटमेंट ये किन किन का करते हैं वो समझना जरूरी है पहला तो अपॉइंटमेंट करते हैं प्रधानमंत्री का ठीक है फर्स्ट ही अपॉइंट्स दी प्राइम मिनिस्टर बट मैं आपको आगे जाके जब प्रधानमंत्री पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा वास्तविकता में इनके पास प्रधानमंत्री अपॉइंट करने में ऐसे कुछ खास पावर होते ही नहीं है इन नाम नाम का है कि मैं अपॉइंट करती हूं या मैं अपॉइंट करता है राष्ट्रपति अपॉइंट करता है भाई भारत के अंदर में चुनाव होते हैं लोकसभा के लोकसभा के चुनाव के अंदर में जिस पार्टी का बहुमत होता है उस पार्टी का लीडर जो है वो प्रधानमंत्री बनता है ठीक है अब ये राष्ट्रपति की इच्छा हो या ना हो कल को अभी 2024 में चुनाव होगा और इंडिया जो मान लो गठबंधन है अगर वो जीत गए और उन्होंने कह दिया कि भाई हमारा प्रधानमंत्री हमारा लीडर लालू यादव है तो राष्ट्रपति चाहे या ना चाहे ठीक है उनको उनको शपथ दिलानी पड़ेगी उनको अपॉइंट करना पड़ेगा तो आप मेरी बात समझिए दोस्तों इनके पास ये जो अपॉइंटमेंट मेकिंग पावर है प्रधानमंत्री की ये डिस्क्रिशनरी नहीं है मन मर्जी नहीं कर सकते कि इनका मन कर रहा है मेरे बहुत अच्छे संबंध है तो मुझे प्रधानमंत्री बना दे ऐसा नहीं हो सकता है आप मेरी बात समझ रहे हो ऐसा नहीं हो सकता ये इनके हाथ भी बंधे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि भैया जो सिंगल लार्जेस्ट जो बड़ी सबसे पार्टी हो जिसको तो बहुमत मिला है लोकसभा के अंदर उसके नेता को आप क्या बनाओगे राष्ट्रपति बनाओगे एक बात होगी अब राष्ट्रपति बन गया तो राष्ट्रपति के साथ साथ सॉरी प्रधानमंत्री के बाद क्या क्या आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद अब मंत्री परिषद के अंदर में क्या होता है इंपॉर्टेंट मिनिस्टर अब प्रधानमंत्री डिसाइड करेगा कि कौन कौन से लोग हैं जो उसके कैबिनेट में या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होंगे किन किन को मंत्री पद देना चाहता है सरकार में है एक व्यक्ति होता है एम चुनाव जीता एम बन गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक चीज होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद तो मंत्री बन जाए तो आदमी मंत्री कब बनता है जब मंत्री बनता है जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहे कि मैं चाहता हूं इसको ये बना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आता है तो वो भी रिकमेंड कौन करता है राष्ट्र प्रधानमंत्री रिकमेंड करता है और फिर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाकी मंत्री जो है जैसे खेल मंत्री शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री वो अपॉइंट करने की पावर होती है राष्ट्रपति के पास ही बट रिकमेंडेशन कौन देता है दोस्तों ऑलवेज <coughs> रिकमेंडेशन जो है वो कहां से आता है दोस्तों वो प्रधानमंत्री से आता है ठीक है अगली बात इसके अलावा दोस्तों एक और चीज है भारत के अंदर जो अटॉर्नी जनरल है ये कौन है सर भारत सरकार का वकील अब कल को कोई भारत सरकार पे केस कर दे तो बताओ केस लड़ने कौन जाएगा कोर्ट के अंदर भाई राष्ट्रपति को बुलाओगे या प्रधानमंत्री को बुलाओगे हमारे प्रधानमंत्री तो बाहर रहते हैं आठ द टाइम दौरे पे रहते हैं तो कोर्ट में जाके केस कौन लड़ेगा तो इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है कोर्ट के अंदर दोस्तों अटॉर्नी जनरल सो so, ही इज द वकील ये समझिएगा ये भारत सरकार का क्या है? वकील गाँव के अंदर में जो पुरानी औरतें हैं या पुराने लोग जो हैं वो कहते हैं जैसे हमारे दादा पड़दादा वकील नहीं कहते वो कहते हैं उकील तो ये क्या है वकील है ये भारत सरकार का क्या है दोस्तों वकील है आपके भी घर में कोई बड़े बुजुर्ग होंगे तो वो वकील नहीं उकील ही कहेंगे तो ये क्या है दोस्तों वकील है तो इनको समझिए इनका अपॉइंटमेंट भी यही करते हैं इसके बाद दोस्तों भारत के अंदर में जो कैग है कंट्रोल एंड ऑडि जनरल उनका भी अपॉइंटमेंट यही करते हैं ठीक है उसके अलावा यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन उनका भी यही करते हैं गवर्नर का अपॉइंटमेंट यही करते हैं उसके अलावा चेयरमैन और बाकी मेंबर जो होते हैं फाइनेंस कमीशन के उनका अपॉइंटमेंट भी यही करते हैं हालांकि जब फाइनेंस कमीशन आप पढ़ोगे तो अलग से पढ़ोगे यूपीएससी <coughs> पढ़ोगे तो अलग से पढ़ोगे गवर्नर का ऑब्वियस ही बात है बता ही चुका हूँ कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है ये तो ये बातें हैं ठीक है ठेके? उसके बाद दोस्तों देखो इनके पास एक अधिकार होता है क्या देखो इनके पास अधिकार होता है कि केंद्र सरकार में सरकार में जो भी चल रहा है उनकी बात समझ ले तो ये क्या कहेंगे भाई राष्ट्रपति जो है इसके पास अधिकार होता है कि प्रधानमंत्री को बोल दे कि क्या चल रहा है शाम को आके बता दियो चुपचाप से ठीक है शाम को आ और आके मेरे को इन्फॉर्म कर दियो कि भाई क्या क्या चल रहा है क्या क्या नहीं चल रहा नहीं वकील बोलते हैं यार मैं तुम मजाक समझ रहे हो यार अच्छा बताओ कितने लोगों को ये बात नहीं पता आप में से कितने लोगों को ये बात नहीं पता कि बोलते हैं अरे उकील बोलते हैं <coughs> बोलते हैं उकील बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं सर आपकी क्लास से ठीक है भाई बढ़िया है मतलब मज़ा आता है तो यार मज़ा बाकियों को भी दिलाओ राहुल गांधी जी की बात नहीं सुनी ये मज़ा भारत के हर छात्र तक पहुँचवाओ आप ठीक है आप इसके अंदर में मदद करो देखो उद्देश्य है यही है दोस्तों कि आपकी लर्निंग जो है पढ़ाई जो है उसको आसान बनाया जाए एक बात बताता हूँ मैं आपको यूपीएससी की जो पढ़ाई है ना बहुत आसान है बहुत पढ़ाई यार होती ही बहुत आसान है बस आपको सही तरीके से कराई जाए लोग डरा देते हैं यार ठीक है कि अरे बहुत मुश्किल है ऐसा कुछ नहीं है सब बकवास है ठीक है बहुत आसान चीज है अगर आप सही से करो पता है ये थोड़ा सा ये वाली पीपीटी बनाने में ना बहुत जोर लगता है चार चार पाँच पाँच घंटे लग जा रहे हैं मैं आपको सच बता रहा हूँ तो इसीलिए मैंने ये नहीं तो मैं इसको भी ना एक एक स्लाइड में अलग अलग छाट छाट के करता तो एकदम समझ में आ जाता कोई दिक्कत नहीं होती बट समय कम है बट जो हमारा पेड़ कोर्स आएगा उसमें आप देखना हर चीज आपको ना ऐसे फ्लो चार्ट में मिलेगी ऐसे यूं मक्खन की माफिक समझ रहे हो ऐसे मिलेगा आपको कि आप यूँ कहोगे यार मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ता सर सब समझ में आ जाता है आप कहोगे सर ये फोटो देखा और समझ में आ गया वो चीज़ मैं लेके आऊँगा पेड कोर्सेज में, में बहुत जल्द अब देखिए समझिए ये बात होगी है ना अपॉइंटमेंट इसके बाद कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मैंने बता ही दिया भाई क्या चल रहा है वो हेड है ना तो उनके पास अधिकार है अब घर के अंदर में हेड है मान लो आपके पापा आप भले ही कुछ कर रहे हो लेकिन दो तीन दिन में एक बार तो पूछेगा ना भाई क्या चल रहा है पढ़ाई में हाँ भाई क्या चल रहा है बिकॉज ही इज़ द हेड तो इनके पास भी वो अधिकार और आपको बताना पड़ेगा क्या चल रहा है आप मना नहीं कर सकते ये इनका संवैधानिक अधिकार है मैंने एक आपको धारण भी दिया था ज्ञानी जेल सिंह और उनकी बन नहीं रही थी राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उनकी बनती नहीं थी लेकिन फिर भी राजीव गांधी जो है जाते थे ज्ञानी जेल सिंह रोज बताने की क्या चल रहा है क्या जब भी वो बुलाते थे रोज नहीं बट जब भी वो बता बताते थे ठीक है ये तो होगी अलग बात अब ये पावर बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार दोस्तों ये आजकल पिछले दो में और तेईस में लगातार न्यूज़ में रही है देखो पहली बात तो क्या है राष्ट्रपति के पास अथॉरिटी होती है कि भैया एस सी एस टी देश के अंदर में और ओबीसी जो है ना भाई इनकी कंडीशन क्या चल रही है उनके बारे में जानने के लिए कमीशन बनाए पहली बात इनके पास ही पावर होता है देश में एस सी एस टी ओबीसी जो है उनके लिए हर पांच साल में कमीशन का गठन किया जाता है दूसरा यहां पर आपको ध्यान देखना है दो, देना है दोस्तों स्टेट काउंसिल जो होती है ना अंतर राज्य राज्य परिषद मतलब दो राज्यों के बीच की परिषद इंटरस्टेट काउंसिल देखो हमारे देश के अंदर में क्या है ना डायवर्सिटी बहुत है विविधता बहुत है अब अलग अलग राज्यों के बीच में कई प्रकार के डिस्प्यूट होते हैं जैसे महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में पचास तरीके के डिस्प्यूट होंगे होंगे अब उन डिस्प्यूट का सॉल्यूशन कौन कराएगा तो उसी के लिए काउंसिल का संविधान में एक प्रावधान है आर्टिकल 262 के तहत दो के तहत कि भैया एक काम करो एक अंतर राज्य काउंसिल बना लो परिषद बना लो इस काउंसिल में समाधान करवा लेना अभी जो इंटर स्टेट काउंसिल होती है ना पता है आपको ये इंटर स्टेट काउंसिल का गठन जो है वो भी किसके हाथ में होता है दोस्तों ये भी राष्ट्रपति के हाथ में होता है अच्छा जो यूनियन टेरिटरी होती है केंद्र शासित प्रदेश अब या तो वो इंडिपेंडेंट राष्ट्रपति सीधा उस पर शासन करता है या एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देता है और उसके थ्रू शासन करता है ही इज द अथॉरिटी टू डिक्लेयर एन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी एरिया पिछड़ा हुआ एरिया है इस बात को नियुक्त इस बात को डिसाइड करने की जो पावर है ये किसके पास होती है दोस्तों ठीक है ओनली प्रेजिडेंट कैन डिसाइड ओनली प्रेजिडेंट कैन डिक्लेयर एन एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया किसी भी एरिया को अगर शेड्यूल्ड एरिया घोषित करना है भैया तो इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ किसकी किसके हाथ में पावर है दोस्तों ये पावर है राष्ट्रपति के हाथ में आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट अब देखो ऐसी ही मिलती जुलती पावर किसके पास होंगी गवर्नर के पास जैसे देखो ये गवर्नर है अब भैया गवर्नर क्या है बताओ आप मुझे गवर्नर जो है ना सर ये हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड है ठीक है अब देखो या तो आप पहले पढ़ते राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद अटॉर्नी जनरल उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फिर पार्लियामेंट फिर आते आप स्टेट वाली पे फिर आप गवर्नर इतने दिन में तुम्हारा सब साफ हो जाता ये कंपैरेटिव मेथड से ना एक एक ही जगह हो जाएगा सारा काम अब भाई गवर्नर जो है ये भी तो एग्जीक्यूटिव हेड होता है तो इसीलिए कार्यपालिका संबंधी राज्य के अंदर सरकार के जितने भी डिसीजन होते हैं सब पे इन्हीं का नाम होता है ठीक है सारे के सारे जो राज्य सरकार की कार्रवाई होती है औपचारिक रूप से उनके ऊपर नाम किसका होता है दोस्तों गवर्नर का ही उस पर नाम होता है पहली तो यह बात दूसरी बात राष्ट्रपति किसको अपॉइंट करते थे प्राइम मिनिस्टर को किसको करेंगे चीफ मिनिस्टर को ठीक है चीफ मिनिस्टर को ही अपॉइंट करेंगे लेकिन देखो मैंने बताया ना नाम नाम की बात है चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट पॉइंट कुछ नहीं करते ऐसे ही जैसे वहां पे केंद्र के अंदर लोकसभा के चुनाव होते हैं यहां पर भी विधानसभा के चुनाव होते हैं और विधानसभा के चुनाव में जो पार्टी जीती उस पार्टी का एक नेता होता है लीडर होता है और उस लीडर को क्या बना दिया जाता है वहां पर चीफ मिनिस्टर अब चाहे गवर्नर चाहे या ना चाहे उनको बनाना पड़ेगा समझ में आ रही बात अब कल को मान के चलो हरियाणा में चुनाव है ठीक है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीत जाती है अब सेंटर में कौन है सेंटर में तो बीजेपी है और मान लो बीजेपी या एन ने मान के चलो हरियाणा में अपना गवर्नर बिठा रखा है तो अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो गवर्नर कहेगा कि नहीं भाई ये जो कांग्रेस का लीडर तुम बना रहे हो इसको मैं नहीं बनाऊंगा मैं तो बीजेपी BJP... नहीं नहीं उनके पास ऐसा अधिकार नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन Constitution क्या कहता है कि विधानसभा के चुनाव में जो दल मेजोरिटी में आया है बहुमत में आया है उसके लीडर को बनाओ हाँ इनका ये अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं जब किसी भी पार्टी की क्लियर कट मेजॉरिटी ना हो भाई जो एक बहुमत होता है मान लो राज्य के अंदर में किसी भी पार्टी ने क्लियर कट मेजोरिटी अर्व नहीं की इन दैट केस इनके पास पावर होती है कि अपनी पावर का इस्तेमाल करें अपने डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करें एंड देन ये किसी को भी जिस, जिसको मन करे ठीक है उसको सरकार बुलाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं यूजुअली फिर ये उसको करते हैं जो लार्जेस्ट पार्टी है उसको कहते हैं आओ भाई आप कोलिशन फॉर्म करो गवर्नमेंट बनाओ ठीक है वो एक अलग मुद्दा है अब चीफ मिनिस्टर बन गया तो बाकी के जो चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे स्टेट के उनके भी अपॉइंटमेंट यही करेंगे इसके ए, ए, है ट्राइबल वेलफेयर का मतलब क्या है? वो मंत्री जो ट्राइबल, एरिया के ट्राइबल जो कम्युनिटी है उनका ध्यान रखेंगे तो भैया एक तो छत्तीसगढ़ है झारखंड एक मध्य प्रदेश एक, एक उड़ीसा ये चार राज्य याद रखना इन चार राज्यों के अंदर में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट भी किसके हाथ में होता है दोस्तों गवर्नर वो भी इन्हीं को करना होता है अच्छा अपॉइंट दी एडवोकेट जनरल जैसे दोस्तों हमारे स्टेट के यू, यूनियन में होता है ना अटोर्नी तो जनरल ऐसे ही स्टेट में क्या होता है एडवोकेट जनरल ठीक है तो एडवोकेट जनरल ये स्टेट गवर्नमेंट का वकील होता है तो ये स्टेट गवर्नमेंट का जो वकील है इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है दोस्तों गवर्नर करता है तो इट इज हिज रिस्पॉसिबिलिटी टू अपॉइंट दी एडवोकेट जनरल आप मेरी बात समझ पा रहे हो देखो एक के बाद एक है यार अगर ये भी नहीं हो रहा ना दोस्तों अगर आपको यहाँ पर भी रिलेशन नहीं बना पा रहे देन एम वेरी सॉरी यार ये चीजें फिर आपके लिए नहीं है मैंने यहाँ पर बताया <laughs> किसको करता है प्राइम मिनिस्टर यहां पे क्या आ गया चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के बाद मैंने बोला भैया बाकी के कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो तो इधर भी सेम हो जाएगा उसके बाद हमने अपॉइंटमेंट में ही बात कर दिया अटॉर्नी जनरल यहां अटॉर्नी जनरल कैग कैग तो राज्य में होता नहीं कैग पूरे इंडिया का एक ही होता है ठीक है तो कैग हो गया अब यहां पे जैसे यूपीएससी है यहां पे क्या हो जाएगा स्टेट पीसीएस हो जाएगा यहां पे फाइनेंस कमीशन है वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों स्टेट फाइनेंस कमीशन तो चीजें सेम है रिलेटेबल है तो यहां पे वहां अटॉर्नी जनरल था या एडवोकेट जनरल हो गया भैया अपॉइंट दी पीपल स्टेट इलेक्शन कमीशन वहां पर क्या था यूनियन इलेक्शन कमिश्नर था ना याद है आपको ठीक है उनका अपॉइंटमेंट यहां पर क्या है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इसके बाद चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो यूनिवर्सिटीज होती हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं ना दोस्तों उनका जो वाइस चांसलर होता है उनका अपॉइंटमेंट भी कौन करता है दोस्तों गवर्नर और जो यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है वो कौन होता है गवर्नर इज द एक्स ये याद रखना अच्छा जब भी मान लो किसी राज्य के अंदर प्रेसिडेंट रूल मतलब दोस्तों अंडर आर्टिकल 365 तो मान के चलो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवाना है तो उसकी सिफारिश कौन करता है राष्ट्रपति के कान कौन भरता है गवर्नर ठीक है राष्ट्रपति के नहीं भरेगा किसको किसके भरेगा रिकमेंडेशन Re होती है वो ठीक है तो वो काम भी किसको दिया गया है दोस्तों गवर्नर को अच्छा ये बात यहां तक समझ में आई तो फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट लिखो यार वीडियो लाइक और शेयर करते रह ठीक है चलिए यहां पे ये चीज़ें ध्यान रखने की है है ना ये चीज़ ये चीज़ ध्यान रखने की है पहली बात तो और ये भी याद रह ही जाएगा इसमें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब ये हिंदी में है बस जो सारी बातें मैंने की उसका हिंदी वर्णन है तो मुझे नहीं लगता है इसमें किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत होगी एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों एग्जीक्यूटिव पावर होगी ख़त्म अब आते हैं लेजिस्लेटिव पावर लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है ध्यान से समझिएगा एक बार फिर से मेरे साथ देखो लेजिस्लेचर होता क्या पल तो ये बताओ लेजिसलेचर ऐसे लिखता हूं इसका मतलब क्या होता है सर इसका मतलब होता है सर विधान पालिका अच्छा काम क्या होगा सर इसका इसका काम होता है सर कानून बनाना अब क्योंकि भारत में कैसा स्ट्रक्चर है फेडरल तो ये भी कितने पर उसमें बटा हुआ है दो भागों में पहला यूनियन लेवल पर है ठीक है केंद्र लेवल पर है अच्छा दूसरा कहां पर है दोस्तों दूसरा है, स्टेट लेवल पे सर हमारे पास स्टेट बोले तो राज्य स्तर पर है अच्छा यूनियन लेवल पर कौन कानून बना रहा है दोस्तों यूनियन लेवल पे बना रहा है सर पार्लियामेंट संसद ठीक है और स्टेट लेवल पे कौन बना रहा है दोस्तों बताओ सर स्टेट लेवल पर है हमारे पास स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि क्या राज्य विधान पालिका अब पार्लियामेंट में कौन कौन लोग हैं <coughs> यहां पर है सर राज्यसभा लोकसभा और एक क्या है दोस्तों आपका प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति है और इधर भी क्या होता है दोस्तों यहां पे भी सेम है यहां पे होता है विधानसभा विधान, विधान परिषद और क्या होता है दोस्तों गवर्नर अब मैं क्या कह रहा हूं देखो क्योंकि गवर्नर इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर सिमिलरली प्रेजिडेंट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजिडेंट भाग है किसका संसद का ठीक है तो इसी वजह से इनके पास में लेजिस्लेचर लेजिस्लेटिव पावर भी होती है किसके पास दोनों के पास चाहे बात करो आप प्रेजिडेंट uh, की चाहे बात करो आप गवर्नर की बोथ प्रेजिडेंट एंड गवर्नर हैव सम लेजिस्लेटिव पावर एज वेल दोनों के पास कुछ विधाई शक्तियां भी हमारे पास होती हैं क्यों होती विधाई शक्तियां बताओ दोनों के पास बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर क्योंकि वो विधान पालिका के सदस्य होते हैं ये बात क्लियर हुई देखो फंडामेंटल शुड बी वेरी क्लियर अगर आपके फंडामेंटल क्लियर है ना फिर दिक्कत आएगी नहीं आपको मैं बता रहा हूं आप समझते हैं लेजिस्लेटिव पावर के अंदर बात क्या है लेजिस्लेटिव पावर मतलब विधाई शक्तियाँ समझिए ही हैज दी अथॉरिटी टू समन पहले बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में ठीक है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां तो पहले तो आपको समझ में आ गया कि इनके पास लेजिस्लेटिव पावर क्यों होती है क्यों होती है बिकॉज ये एक पार्ट है किसका पार्लियामेंट का इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ये बात समझ में आई भाई पहली बात तो ये क्योंकि ये संसद का भाग है इसीलिए इनके पास ये पावर है इनके पास ये पावर क्यों है बिकॉज इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट संसद के भाग है ठीक है अब संसद का, का काम क्या है कानून बनाना समझ में आएगी बात संसद का काम क्या है कानून बनाना संसद कानून कैसे बनाती है संसद मिलती है अब मिलने को क्या कहते हैं दोस्तों संसद को समन करना संसद को बुलाना संसद का बुलावा भेजना संसद को बुलावा कौन भेजता है दोस्तों किसके नाम पे जाता है बुलावा भी राष्ट्रपति के नाम पे जाता है अब संसद के तीन बुलावे होते हैं पता है आपको देखो पहला बुलावा होता है ये पहला, ये पहला बुलावा होता है दूसरा और ये बुलावा होता है तीसरा पहला जो सेशन होता है ना इसको बोलते हैं बजट सेशन बजट सत्र बोलते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे बजट सत्र वैसे मैं इसको कहता बी एमडब्ल्यू बजट मानसून विंटर पता है आपको बजट सत्र कब स्टार्ट होता है ये फरवरी से स्टार्ट होने का प्रावधान है और कहते हैं कि मई तक चलता है अब संविधान में यार बिल्कुल ये करेक्ट बताया नहीं है कब से कब चलेगा फरवरी की डेट तो दे दी बट कब कितनी फरवरी को आपको कह दिया जाए आपकी शादी फरवरी में बट डेट ना बताई जाए गड़बड़ हो जाएगी ना अब ये जो डेट डिसाइड करनी है ये किसके आधार किसके ऊपर डिपेंड करता है राष्ट्रपति राष्ट्रपति बताएगा कब से ये कस्टमरी होती है वैसे डिसीजन तो जो है वो कैबिनेट कमेटी जो है पार्लियामेंट की जो एक कैबिनेट कमेटी होती है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर तो सामान्यतः वो डिसाइड करती है कि कब सेशन को संसद को सत्र में बुलाना है और कब नहीं लेकिन ये डिसीजन किसके नाम पे जाता है ये राष्ट्रपति के नाम पे जाता है वो ये नहीं कहेंगे कि पार्लियामेंट की जो कैब, ए, कैबिनेट की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ऐसा नहीं कहेगा कि भाई पार्लियामेंट्री कमेटी बुला रही नहीं भाई बुला बुलावा किसके नाम पर जाएगा भारत के राष्ट्रपति के नाम पे जाएगा तो बजट सत्र फरवरी से स्टार्ट होता है मई तक चलता है लेकिन किस डे को बुलाना है किस दिन सत्र को बुलाना है किस दिन सत्र का आमंत्रण होना है ये कौन डिसाइड करता है दोस्तों किसके नाम पे जाता है ये राष्ट्रपति के नाम पे जाता है डिसाइड मैं बता चुका हूं दोस्तों कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर ये करती हैं ठीक है ठेके? ये डिसाइड करती हैं उसके बाद चीजें जाती हैं ठीक है ठेके? फिर उसके बाद जो पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट है ठीक है पार्लियामेंट का जो सेक्रेटरी है चीफ सेक्रेटरी वो डिसाइड करता है फिर वो इतना मगजमारी करनी भी नहीं अपने को ठीक है वो मगजमारी हम जो स्पेशल टॉपिक होते हैं हम उसमें करते हैं ठीक है जो न्यूज में हम कवर करते हैं तो यहां पर आपको ध्यान क्या देना है दोस्तों मैंने बताया आपको फरवरी और मई फरवरी में स्टार्ट होगा और मई तक चलेगा तो ये डिसीजन राष्ट्रपति के नाम पर लिया जाता है अब देखो मई में किस डेट को खत्म करना है जरूरी है मई में ही खत्म हो अब मान लो काम था पार्लियामेंट का जो जो बजट सत्र में जो जो डिस्कस करना था ना एजेंडा होता है तैयार किया जाता है कि भाई इस सत्र के अंदर में क्या होगा तो पार्लियामेंट की कमेटी होती है वो एजेंडा तैयार करती है अब मान लो एजेंडा खत्म हो गया आपका अप्रैल मई बजट पास हो गया बजट सेशन का मेन एजेंडा होता है बजट पास करना बजट अप्रैल में ही पास हो गया तो अप्रैल में पास हो गया तो मई में बैठ के क्या करेंगे उनको भी काम निपटाना होता है जल्दी जल्दी तो अप्रैल में ही खत्म हो गया तो अप्रैल में ही सत्र को एंड कर देते हैं तो वो सत्र को स्टार्ट करना सत्र को समन एंड प्ररोग मतलब खत्म करना ठीक है संसद को बुलाना और स्थगित करना ये दोनों की पास पावर जो है वो किसके जो दोनों चीजें हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ली जाती है ठीक है एक और चीज होती है लोकसभा जो है उसको डिजोल्व कर रहा है मान लो सरकार जो है जिस जो पार्टी की सरकार है अगर उसका लोकसभा में बहुमत नहीं है इफ अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट डज नॉट एंजॉय मेजोरिटी इन दी लोकसभा, देन उस केस में क्या होता है दोस्तों राष्ट्रपति क्या करता है लोकसभा को डिजोल्व करता है भंग करता है और फिर चुनाव होते हैं ठीक है थेके? तो ये दो पावर है इसकी ही हैज अथॉरिटी टू द पार्लियामेंट एज वेल एज डिजोल्व दी लोकसभा अब लोकसभा डिजोल्व कब होगी जब सरकार बहुमत में ना रहे अब वर्तमान की जो सरकार है क्या इसमें लोकसभा डिजोल्व हो सकती है किसी हालत में नहीं हो सकती तीन सौ सीट तो अकेली बीजेपी लेके बैठी है भाई और बीजेपी के एमपी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को तुम तोड़ नहीं सकते ठीक है कि आप वहां से तोड़ के कांग्रेस अपनी पार्टी में मिला ले सारी पार्टियां भी मिल जाए इकट्ठी हो जाए तो भी उनके पास बहुमत नहीं है है ना अकेली मैंने बताया बीजेपी 300 प्लस लेके बैठी है तो अभी वर्तमान सिनेरियो के अंदर तो आप मान के चलो कि लोकसभा भंग हो ही नहीं सकती है ठीक है तो बट ऐसा कब होता है लोकसभा भंग होने का केस बताओ जब जोड़ तोड़ की सरकार हो जब गठबंधन की सरकार हो जब एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी ना मिले बहुमत ना मिले अच्छा जितने भी दोस्त हमारे साथ यहाँ पे देखते हैं ना एक मेरा उनसे अनुरोध है देखो आप जब ये सेशन हमारा देखते हो ना तो इसको यार अभी मैं कह रहा हूँ पढ़ाई के रूप में मत देखो इस सेशन को देखो नॉलेज के रूप में ठीक है कैसे चीज़ें आपको नॉलेज लेनी है मैं आपको बताया देखो इसके बाहर भी और भी बहुत सारी चीज़ें बचती हैं जैसे ये बात मैंने आपको बताई किस डेट को बुलाना है कौन डिसाइड करेगा ठीक है ये डिसीजन किसके हाथ में होता है दोस्तों ये मैंने बताया कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर उसके बाद पार्लियामेंट सेक्रेटरीज होते हैं वो बुलावा भेजते हैं ठीक है वो बुलाते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं वो सारी जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं ठीक है वो क्योंकि उसमें फिर अपन वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे वी आर गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ द लक्ष्मीकांत ताकि आप ओवरव्यू से इसको समाप्त कर पाओ ठीक है डिटेल कोर्स जो होगा पॉलिटी का फॉर प्रिलिम्स वी विल स्टार्ट ऑन अवर ऐप ठीक है और ये कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों वी विल स्टार्ट फ्रॉम कब से स्टार्ट कर देंगे हम हम ये स्टार्ट कर देंगे आपका दिवाली से दिवाली से अपना जो कोर्सेज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे अपनी जो पेड कोर्सेज होंगे ऐप के ऊपर वो हम स्टार्ट कर देंगे ठीक है चिंता मत करो पेड कोर्स के नाम से डरना मत बहुत ही बहुत ही नॉमिनल बहुत ही नॉमिनल ठीक है बहुत ही नॉमिनल

गवर्नर के हाथ में सॉरी प्रेसिडेंट के हाथ में होता है ठीक है अच्छा इसके बाद क्या होता है देखो यूं तो पार्लियामेंट के दो सदन है राज्यसभा और लोकसभा इनका अलग अलग वो है सदन है अलग अलग हाउस है एक जगह राज्यसभा बैठती है दूसरी सभा लोकसभा बैठती है जब भी कोई बिल रखा जाता है एक सदन से दूसरे सदन में जाता है तो सब इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं <laughs> बट कई बार ऐसा होता है कोई एक बिल है सिंपल बिल है और उस बिल के ऊपर क्योंकि सिंपल साधारण विधेयक जो होते हैं या साधारण विधेयक के अंदर क्या दोनों सदन की मंजूरी जरूरी होती है <coughs> मनी <coughs> मनी बिल के अंदर में तो राज्यसभा कुछ कहे ना कहे राज्यसभा की कोई सुनता नहीं है लेकिन जो नॉर्मल बिल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जिसको हम बोलते हैं संवैधानिक संशोधन तो उसमें कई बार गड़बड़ हो जाती क्या गड़बड़ हो जाती है एक सदन तो मान रहा है और दूसरा सदन नहीं मान रहा जैसे 2014 में जब बीजेपी सरकार बनी थी बीजेपी ने मतलब एनडीए ने सरकार बनाई थी उस टाइम पे लोकसभा में तो बहुमत हो गया था ठीक है लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं था इसीलिए होता क्या था कि बिल लोकसभा से तो पास हो जाते थे राज्यसभा में अटका दिया करते उनको कांग्रेस और जो विपक्ष की पार्टी है उसको राज्यसभा में पास नहीं होने देते थे तो मामला पेंडिंग पड़ा रहता था ठीक है तो ऐसी अवस्था में जब डेडलॉक आ जाए है ना एक बिल है वो फंसा पड़ा है लोकसभा ने पास कर दिया बट राज्यसभा पास नहीं कर रही राज्यसभा ने पास कर दिया लोकसभा पास नहीं कर रही तो दोनों को इकट्ठा बुलाया जाता है ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है कि यार एक काम करो तुम बैठ के अंडर आर्टिक, आर्टिकल I think, I'm not sure, अंडर आर्टिकल आई आई थिंक एम नॉट श्योर अंडर के तहत होता है ठीक है मैं फिर कह रहा हूं मैं आर्टिकल में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है वो जब मैं पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा ठीक है <coughs> मेरे को भी कुछ कुछ चीजें मैं भूल जाता हूँ यार ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है छे सात साल पहले मैंने पढ़ा था बट ये देखो सात साल पहली चीज पढ़ी जो है ना वो भी मेरे को आज मेरे दिमाग में छपी पड़ी है तो जब ज्वाइंट सेशन बुलाना हो ज्वाइंट सेशन का मतलब समझे वैसे पार्लियामेंट में समझाऊंगा पूरा डिटेल सेशन का मतलब राज्यसभा लोकसभा को इकट्ठे बिठा दो पांच पे बावन सदस्य है और यहां पे कितने है? लो, 250. ठीक है दो अब मान लो वैसे तो लोकसभा राज्यसभा पास नहीं करे ज्वाइंट सेशन में हमेशा लोकसभा जीती है जिस तरफ लोकसभा होगी उधर उधर उद, का पलड़ा भारी तो इसलिए ज्वाइंट क्योंकि कंबाइंड जो वो होगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों दो सौ पचास प्लस पांच सौ बावन ठीक है दो जीरो और ये हो गया आठ लगभग आठ सौ दो तो मतलब जिसने चार सौ दो वोट ले ली वो जीतेगा चार 402 दो तो अकेले लोकसभा लोकसभा से आ सकती है ना ठीक है तो इसीलिए आप समझ रहे जो ज्वाइंट सेशन होता है वो क्यों बुलाया जाता है कि जब भी मामला फंस इज अ डेड लोक

भाई जब लोकसभा राज्यसभा की किसी बात पे ना बन रही हो तो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है वो भी ज्वाइंट सेशन भी किसके हाथ में होता है राष्ट्रपति के हाथ में होता है अच्छा इनके पास एक और पावर होती है क्या कुछ लोग हैं जिनका अपॉइंटमेंट कर किया जाता है इनके द्वारा जैसे मैं आपको बताता हूं सॉरी मनोनीत करना ये वो सदस्य होते हैं नॉमिनेशन जो चुनाव नहीं लड़े बट बिना चुनाव लड़े हम इनको ले आए हैं लोकसभा में भी होते हैं और राज्यसभा में भी होते हैं ठीक है लोकसभा में कितने होते हैं पहले राज्यसभा में देख लो राज्यसभा में बारह सदस्य ऐसे होते हैं जो खेल संस्कृति कला सिनेमा जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत तगड़ा काम किया हो ऐसे बारह लोगों का क्या होता है बारह लोगों को मनोनीत किया जाता है कौन मनोनीत करता है दोस्तों राष्ट्रपति ठीक है राष्ट्रपति मनोनीत करता है कितने लोगों को बारह जब मैं कह रहा हूं राष्ट्रपति करता है तो आप समझिएगा राष्ट्रपति कुछ नहीं करता राष्ट्रपति जी से सिर्फ करवाया जाता है कौन करवाता है दोस्तों सरकार ठीक है गवर्नमेंट तो 12 सदस्य कहां पे राज्यसभा में और साथ साथ दो सदस्य कहां पे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ये कहां पे लिखा हुआ था दोस्तों आर्टिकल 331 के अंदर लिखा हुआ था कि दो मेंबर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बट ये अब खत्म हो चुका है ये कब तक था दोस्तों ये प्रोविजन अब नहीं है ये 2020 तक था अभी हमने हंड्रेड एंड फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास करके इसको रिमूव कर दिया है अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है इसका प्रावधान हमारे यहां पे नहीं है मतलब एंग्लो इंडियन अब हो या ना हो अब एंग्लो इंडियन को अपॉइंट करने की आवश्यकता नहीं है इज दिस थिंग इज इज दिस थिंग इज गोइंग इन यूर माइंड और नॉट बताओ जल्दी से ये बात आपके दिमाग में घुस रही है देखो कोर्स दोनों मीडियम में होंगे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अच्छा अभी आपके सामने हिंदी मीडियम भी देखो जैसे अभी ये बाइलिंग पढ़ा रहे हैं तो आपको लग रहा है इंग्लिश हम अभी ऐसे कोर्स लेके आने वाले हैं जिसमें हम प्योर हिंदी में पढ़ाएंगे यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम हिंदी किस लेवल मैं बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा जो ये इधर बना रहे हैं लोग ये हिंदी विंदी नहीं होती मैं आपको बता देता हूँ अब मेरी जोग्रफी देख रहे हो एनसीआर प्योर हिंदी अब ये लोग क्या करते हैं उधर से उठाया कॉपी पेस्ट किया और चेप दिया ट्रांसलेट करते हैं ठीक है ठेके? ट्रांसलेशन वाला मुद्दा नहीं अपने पास ट्रांसलेशन वाला हिसाब नहीं है भाई अपन क्या करेंगे प्योर हिंदी और वो दिखा दूंगा मैं तुम्हें अभी रुक जाओ बैच आने वाला है ठीक है यूट्यूब पे ही लॉन्च करने वाला हूँ थोड़े दिन में अभी तो एक और प्रोग्राम बना रहे हैं ठीक है एक दस क्लास का दस से पंद्रह क्लास का वी आर डिजाइनिंग अ कोर्स ठीक है ऑन एथिक्स ठीक है एथिक्स के ऊपर एक कोर्स डिजाइन कर रहे हैं हम दस क्लास के अंदर इंट्रोडक्टरी कोर्स ऑन एथिक्स उसके बाद में हिंदी मीडियम के लिए ऐसी बंपर चीज लेके आ रहा हूँ तुम तुम मतलब क्यों कहोगे सर वाह मजा आ गया ठीक है कहीं पे नहीं होगा ऐसी चीज़ आपके लिए लेके आऊंगा ठीक है ऐसी चीज़ जो कहीं नहीं है लेजिस्लेटिव पावर अब आगे बढ़ते हैं यहां तक समझ में आई बात ये याद रखना दोस्तों कई बच्चे हैं जो जिनको अभी भी ये लगता है कि दो मेंबर आज एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से कोई भी मेंबर नहीं है हमने इसको बदल दिया इस प्रोविजन को आर्टिकल आ, पहले होता था ये आर्टिकल 331 सौ इकतीस के तहत दो मेंबर जो हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से हमें वो अपॉइंट करने पड़ते थे अभी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कौन है बाद में बात करेंगे अभी नहीं करेंगे ठीक है अभी झमेला अब जब है ही नहीं तो क्यों झमेला पालना भाई इसका ठीक है अब है ही नहीं तो क्यों झमेला पालना होता है दादा परदादा उसके इंडियन हो ये वो अब अब नहीं कर रहे हम क्योंकि हटा दिया प्रोविजन ही हटा दिया है 2020 के बाद होता ही नहीं है दो हजार 2024 में फिर से चुनाव होने वाले हैं तो अब मतलब ही नहीं है तो हंड्रेड एंड फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट संविधानिक संशोधन से हमने इसको रिमूव कर दिया है तो ये बात आपको समझ में आई जो मैंने बताया यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर के अंदर ठीक है लेजिस्लेटिव पावर में ये सारी पावर होती है किसके पास आपके प्रधान राष्ट्रपति के पास इसके बाद और भी होती है आपको चलो उनके बारे में देखते हैं अब ऐसी पावर जो है वो गवर्नर की भी देख लो गवर्नर भी आ गई है मेरी बताओ हम भी आपकी बता देते हैं मैम देखो पहली बात तो क्या गवर्नर अब ये राज्य विधान पालिका का भाग है तो भैया आप समझो राज्य के अंदर में जो विधानसभा और विधान परिषद है ठीक है उसको सत्र में कब बुलाना है और कब सत्र को समाप्त करना है ये भी इन्हीं के नाम पे होता है कस्टमरी ये बुलाने नहीं जाते कि आ जाओ आ जाओ ठीक है सबको भाई सारे एमएलए को जैसे पकड़ के घर से ला रहे चल भाई चल सेशन में चलना है अरे अरे तू भी चल सेशन में चलना है जैसे मैं तुम्हें टेलीग्राम पे भेजता हूँ दो तीन बार टेलीग्राम पे बताता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे बताता हूँ गिर चलो चलो चलना है इनका ऐसा सिस्टम नहीं है पता आपको ठीक है इनके नाम पे होता है बस ठीक है तो इनके नाम पे होता है कब कौन सा सत्र अब देखो यहां पर भी वही सत्र है तीन सत्र है हमारे पास ठीक है ये शीतकालीन सत्र होता है शीतकालीन सत्र ये हमारा दूसरा है जिसको हम कहते हैं मानसून सत्र और ये जो है हमारा इसको हम कहते हैं दोस्तों क्या बजट सेशन से, यानी कि बजट सत्र तो ये तीनों है 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 हमारे हमारे पास पास ठीक अब देखो स्टेट लेजिस्लेचर मैंने बताया यहां पर विधानसभा विधान, विधान परिषद अब मान लो वैसे हर राज्य में ऐसा होता नहीं है ठीक है लेकिन मान लो आठ राज्य हमारे पास हैं जिनके अंदर में दोनों हैं तो वहां पर मान लो ज्वाइंट सेशन बुलाना हो तो वो भी इन्हीं का काम होता है साथ साथ इन ये कुछ लोगों को भी नॉमिनेट करते हैं ठीक है जैसे जो विधान परिषद होती है ना हमारी उसके अंदर में टोटल संख्या का एक बटा छह बारह <coughs> टोटल संख्या का वन सिक्स जो है वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है साथ ही साथ एक मेंबर होता था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आर्टिकल 333 बट अब ये भी नहीं है इसको भी हमने हटा दिया है कब से हटाया 2020 से हटाया ठीक है कौन से उससे हटाया हंड्रेड एंड फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सी से हटाया याद रखोगे बताओ अब नहीं तो अलग से पढ़ते उसमें पता नहीं समझ आता नहीं आता अभी समझ आ रहा है बताओ बात समझ में आई है मेरी जल्दी बताओ यार कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट करो यार देखो मजा आ नहीं रहा है मैं सही बता रहा हूं आपको सही है कृष्णा आ रहा है समझ रोहित समझ आ रहा है चलो बढ़िया आगे बढ़े ये हो गया हमारा अब आगे बढ़ते हैं ठीक है दिस इज अबाउट ये हमारी बात हुई दोनों को से एक साथ हमने कंपेयर भी कर लिया है ठीक है तो ये हमने दोनों का पढ़ा पहले हमने पढ़ा राष्ट्रपति जी का उसके बाद हमने पढ़ा गवर्नर का और ये दोनों को कंपेयर भी कर लिया हमने ठीक है दोनों को एक साथ रख के हमने देख भी लिया है ठीक बस यहाँ याद रखना एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो था वो होता था आर्टिकल तीन और ये कितना हुआ है यहाँ पर है आर्टिकल तीन बट दोनों ही हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से खत्म कर दिया है ठीक है आगे बढ़ते हैं आप ये कुछ और लेजिसलेटिव पावर है जैसे पहली बात समझिएगा कुछ बिल ऐसे होते हैं ना जिनके लिए पहले जाके अगर आपको बिल पार्लियामेंट में रखने हैं तो आपको पहले जाके राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी पड़ेगी जैसे कोई भी मनी बिल जो होता है ना मनी बिल धन विधेयक अब धन विधेयक क्या होता है दोस्तों आगे समझोगे आप जब कोई भी धन विधेयक होता है मन बिल मनी बिल होता है ना आप तब तक उसको संसद में नहीं रख सकते जब तक आप राष्ट्रपति की अनुमति ना ले लो सेम किसके केस में होता है दोस्तों सेम राज्य के केस में होता है गवर्नर के केस में कुछ बिल ऐसे होते हैं जिसमें गवर्नर की पूर्व अनुमति जरूरी होती है ठीक है जैसे नाम भी दिया है जैसे आप बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया और बिल इन्वॉल्विंग ऑल्ट्रेशन ऑफ द स्टेट बाउंड्रीज और क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट ठीक है अभी के लिए आप मनी बिल भी इसमें ऐड कर लेना तो गवर्नर से भी अगर मान लो मनी बिल रखना है स्टेट के उसमें तो मनी बिल अगर रखना है तो आपको पहले गवर्नर गवर्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी देन ओनली आप विधानसभा सभा के अंदर

एक्ट क्या होता है सर कानून विधेयक तब तक रहता है जब तक राष्ट्रपति उसको परमिशन ना दे दे अब एक बिल है मान के चलो लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया और लोकसभा ने पास कर दिया दोनों ने पास कर दिया अब ये बिल किसके पास जाएगा दोस्तों अब ये बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास राष्ट्रपति के पास अब राष्ट्रपति के पास में यहां पे ऑप्शन आते हैं ठीक है मल्टीपल ऑप्शन है राष्ट्रपति के पास क्या क्या ऑप्शन है वो बात करते हैं तो आर्टिकल एक मैं कैसे याद करता था मैं ऐसे याद करता था देखो जब राज्यसभा ने पास कर दिया लोकसभा ने पास कर दिया तो बिल किसके पास जाएगा प्रेसिडेंट तो एक, एक, एक मेरे हो गया आर्टिकल 111 अब इसी को मैं उसमें कैसे पढ़ूंगा सर गवर्नर के केस में तो एक और एक दो और जीरो दो सौ आर्टिकल दो सौ उसमें है तो यहां पे आर्टिकल कितना है एक और गवर्नर के केस में यही आर्टिकल हो जाता है दोस्तों आर्टिकल टू ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी दो बार आप ये फोटो देख लोगे ना तो आपका दिमाग इस फोटो को खींच के रख लेगा अपने दिमाग में बुद्धि में स्टोर कर लेगा तो समझिए जब भी कोई बिल पास कर दिया जाता है राज्यसभा लोकसभा दोनों ने पास कर दिया बिल कह रहा हूं अभी ठीक है स्टार्टिंग वो बिल ही रहता है एक्ट कब बनता है एक्ट जब बनता है जब उस बिल को मंजूरी मिल जाए किसकी दोस्तों राष्ट्रपति के तो जब कोई बिल है मान लो लोकसभा ने पास कर दिया राज्यसभा ने पास कर दिया दोनों ने पास कर दिया अब उसके बाद उस बिल को भेजा जाता है राष्ट्रपति को राष्ट्रपति आर्टिकल 111 के तहत में राष्ट्रपति के पास में भैया तीन टाइप के ऑप्शंस होते हैं ठीक है क्या ऑप्शन होता है पहला पहला कह रहा है कि गिव इज असेंट टू द बिल विधेयक को अपनी सहमति दे दे कोई विधेयक गया उसको उसने अपनी सहमति दे देगी स्ट्रेट अवे वो कह देगा ठीक है भैया करो जाओ आपको अनुमति है पहले स्ट्रेट अवे बोल देगा दूसरा है विद होल्ड हिज असेंट टू द बिल विधेयक को अपनी अनुमति ना दे विधेयक के लिए जो अपनी अनुमति है उसको रोक के रखे इस केस में क्या होगा दोस्तों इस केस में डायरेक्टली जो बिल है इट बिकम एन एक्ट ठीक है पहले वाले केस में जो मैंने बताया इस केस में बिल बिकम एन एक्ट यहां पर सीधा क्या होगा दोस्तों जो आपका बिल है वो क्या 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 बन बन जाएगा एक्ट बन जाएगा एक्ट पहले केस में में क्या होगा इज असेंट इसमें किया उसने अपनी एक्सेंट असेंट नहीं दी रोक ली तो ऐसी अवस्था में क्या होगा दोस्तों वो फिर कानून बनेगा भी नहीं तीसरा क्या है रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन राष्ट्रपति को लगता है कि यार <coughs> मजा नहीं आ रहा इसमें कुछ खास चीजें होनी चाहिए ठीक है ये चीजें इसमें बदली जा सकती हैं तो वो बिल को क्या कर देगा दोस्तों रिटर्न कर देगा ठीक है जब बिल को रिटर्न कर दिया जाता है दोस्तों <coughs> जब भी बिल को रिटर्न कर दिया जाता है तो ये रिटर्न एक ही बार कर सकता है ओनली वन टाइम ध्यान रखना एक ही कर बार कर सकता है अब मान लो ये बिल उसने रिटर्न किया और दोबारा इनके पास आ गया तो चाहे भले ही उसमें कुछ बदला ना हो इसने उन्हें भेजा क्यों था इस बिल में चाहते थे कि कुछ सुधार हो जाए कुछ बदलाव हो जाए इनको कुछ कमी लग रही थी कहा कि ये बिल अगर वो दोबारा बिल बिना किसी चेंज के इनके पास आता है तो अनुमति देनी पड़ेगी तो इनके पास ऑप्शन क्या है पहला बिल को अनुमति दे दे विद होल्ड इज असेंट अनुमति ना दे इसी के अंदर में आगे जाके हम वीटो पावर पढ़ते हैं ठीक है

जब कोई बिल विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा पास कर दिया जाता है दोनों ने पास कर दिया एंड द बिल कम्स टू द गवर्नर गवर्नर हैज द फॉलोइंग ऑप्शन क्या ऑप्शन होते हैं ये नीचे लिखा है गवर्नर के पास पहला ऑप्शन है कि मंजूरी दे दे भैया उसको चुपचाप भाई चुपचाप उसको मंजूरी कर दे दे यस कर दे और वो बिल क्या बन जाए कानून पहली बात दूसरा अपनी उसके ऊपर सहमति ना दे रोक के रख ले ठीक है तीसरा रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन बिल को दोबारा भेज दिया लेकिन ध्यान रखना इस केस में बिल जो है वो मनी बिल नहीं होना चाहिए ठीक है मनी बिल नहीं होना चाहिए वो वो <coughs> मनी मनी बिल बिल के अंदर में यहां पे भी वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मनी बिल तो पहले इनकी सहमति से रखा जाता है ना मनी बिल के लिए पहले परमिशन ले ली जाती है ना इसीलिए तो मनी बिल नहीं होना चाहिए दोनों केस में ध्यान रखना रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन अब इसमें भी अगर एक बार वापिस आ गया तो ही हैज टू गिव एक और चीज होती है इसके पास ये कहता है कि भैया ये बिल तो मेरे बस की नहीं है राष्ट्रपति जी से बात करेंगे इसमें राष्ट्रपति विल टेक द डिसीजन इन दिस तो ऐसा भी हो सकता है कि फिर उसको राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर दिया जाए और जब किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर दिया जाता है तो आप समझिए उस केस में फिर क्या होता है उस केस में क्या होता है फिर राष्ट्रपति के पास आ जाता है अब राष्ट्रपति के पास फिर से ही ऑप्शन राष्ट्रपति चाहे तो उस बिल को मंजूरी दे चाहे ना मन कर रहा हो तो ना दे और चाहे तो उसको दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे ठीक है अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया और मान लो राज्य की विधानसभा ने फिर से पास कर दिया तो वो राष्ट्रपति फिर से वापस भेज सकता है मेरी बात समझे यहां पे यही एक स्पेशल चीज है क्या कि इन केस में जब राष्ट्रपति का खुद का आता है पार्लियामेंट का तो एक बार उसको वापस कर सकता है लेकिन जब यहां पर गवर्नर किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे और वो बिल जब राष्ट्रपति के पास जाए और राष्ट्रपति एक बार उसको रिकंसिडरेशन के लिए लौटा दे वापिस दोबारा वो आ जाए तो वो फिर लौटा सकता है उसको कितनी बार भी लौटा सकता है तो यहां पर राष्ट्रपति के पास ऑप्शन होता है इन दिस केस जो वो पार्लियामेंट के केस में नहीं कर सकता यहां पे वो सारी बढ़ांस निकाल सकता है कि अच्छा तूने वापस किया फिर ले ले फिर वापस कर फिर रिकंसिडर कर फिर रिकंसिडर कर बट ऐसा कुछ होता नहीं है आप ध्यान रखिएगा ठीक है ऐसी चीजें होती नहीं है अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर सर मजूरी दे सकता है मतलब मंजूरी मजूरी मजूरी नहीं मंजूरी मन्ज, अच्छा दोस्तों एक बार यार वीडियो को लाइक कर दो यार सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करोगे के सब, सब वीडियो को लाइक करो फटाफट जो लोग नए हैं अपने चैनल पे वो चैनल एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए हैं ठीक है पुराने हैं वो तो ठीक है नए की बात कर रहा हूं मैं बाकी जिन्होंने लाइक कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद फटाफट करो यार अभी देखो 500 लाइक हो जाएंगे अगर सारे बच्चे लाइक कर दोगे तो अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में आते हैं मैंने आपको क्या बताया था सर संसद के ना सत्र होते हैं पहला होता है बजट सत्र कब से कब चलता है सर फरवरी से लेकर मई तक चलता है फिर होता है मानसून सेशन सर कब से कब चलता है सर ये जुलाई में शुरू होता है एंड इट विल लास्ट अप टू सितंबर फिर आते हैं विंटर सेशन पे विंटर सेशन कब तक से कब तक सर नवंबर में स्टार्ट होता है दिसंबर आप देख रहे हो इनके बीच में ग, महीना बच रहा है जैसे यहां पे एक महीना बच गया जनवरी है ना यहां पे एक महीना बच गया जून और यहां पे एक महीना बच गया दोस्तों क्या आपका अक्टूबर अब इनको कहते हैं पार्लियामेंट रेसेस जनवरी जून और अक्टूबर ये पार्लियामेंट की तफरी के टाइम है मतलब इसमें पार्लियामेंट जो है वो सत्र में नहीं होती और सोचो अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगी तो कानून कैसे बनेगा भाई कानून तभी बन सकता है ना जब पार्लियामेंट सेशन में हो पार्लियामेंट सत्र के अंदर हो वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी तो वहां प्रॉब्लम आ जब एक दो तीन काम ना दे बजट और मानसून और विंटर सेशन ना काम चले तो राष्ट्रपति फिर अपना एक दो तीन चलाता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अध्यादेश जारी करने की शक्ति ठीक है तो राष्ट्रपति फिर अध्यादेश जारी करता है ये अध्यादेश जो है ना इसका सेम प्रभाव होता है जितना कि जो कानून बनता है जैसे राज्यसभा वो पार्लियामेंट जो कानून पास करती है ना उस कानून के बराबर का प्रभाव होता है देखो समान प्रभाव होता है इसका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के समान प्रभाव होता है किसमें होता है मैंने बताया पहला बजट सत्र मानसून सत्र या विंटर सत्र जब ये ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति अपना फिर एक दो तीन चलाता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के तहत में वो क्या करता है दोस्तों फिर वो कानून बना देता है और राष्ट्रपति ने जो कानून बनाया दोस्तों फिर उसका प्रभाव पार्लियामेंट के बनाए गए कानून के समान होता है अब यहां से कुछ बातें समझना आप ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया है इट इज वैलिड फॉर मैक्सिमम इट इज वैलिड फॉर सिक्स मंथ एंड सिक्स वीक ये ध्यान देना क्यों मैंने कहा देखो यार ये जो कानून इसने बनाया है ना ये ऐसा नहीं कि ऑर्डिनेंस पास कर दिया चलता रहेगा नहीं ऑर्डिनेंस कब पास होता है? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी कोई बात नहीं लेकिन जब आ जाएगी तो तो उनको अगर इस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कर दिया तो यह कैंसिल हो जाएगा और अगर पार्लियामेंट ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया तो भी छह महीने के बाद अपने आप समाप्त हो जाएगा अब मैंने यहां छह महीने और छह सप्ताह क्यों लिखे समझना बड़ा जरूरी है छे महीने क्या होता है संसद के दो सदन के बीच मैक्सिमम गैप हो सकता है सिक्स मंथ हमारे फाउंडिंग फादर्स जो थे ना उन्होंने मंथ का टाइम बताया कि बिटवीन टू जो है सेशन ऑफ द पार्लियामेंट देर शुड बी अ गैप ऑफ सिक्स मंथ छ महीने का गैप होना चाहिए यह बताया उन्होंने ठीक है दो सेशन के बीच छह महीने का गैप मैक्सिमम छह महीने में एक बार संसद को मिलना पड़ेगा और एक बार जब संसद सत्र में आ जाता है तो संसद के सेशन में आने के बाद छह हफ्ते का टाइम होता है उस बिल को उस ऑर्डिनेंस को पास करने का अगर उस हफ्ते में, वीक में, अगर वो पास नहीं हुआ तो इसीलिए मैक्सिमम यूजुअली अगर संसद सत्र में आता है तो उसके बाद सिक्स वीक ये आपको ध्यान रखना है मैंने इकट्ठा करके इसको लिखा है अगर अप्रूवल नहीं मिला तो लैप्स हो जाएगा अपने आप खत्म हो जाएगा दोस्तों क्या इसको दोबारा रिप्रमोगलेट किया जाए हाँ कितनी बार भी कर दो बार 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 रीप्रमोगेशन रिप्रम री होता है ठीक है और इस चीज़ को क्रिटिसाइज भी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ठीक है कई बार कई स्टेट गवर्नमेंट क्या करती हैं कई स्टेट कई सॉरी गवर्नमेंट नॉट स्टेट गवर्नमेंट कई सरकार क्या करती हैं वो लेजिस्लेटिव रूट से बचने के लिए क्योंकि आसान होता है जल्दी हो जाता है इसका इस्तेमाल करने लग गई थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा ठीक है सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होती है सबको सही दिशा दिखाना सही मार्ग दिखाना तो ये आपको ध्यान रखना है दिस इज एन ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बाय ऑफ द प्रेसिडेंट अब ऐसी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसके पास होती है गवर्नर बट यहां पे वही एक सौ एक एक दो तीन का थोड़ा उल्टा हो जाता है अब क्योंकि ये बड़ा है तो इसमें दो आगे आ जाता है दो सौ तेरह हो जाता है छोटा है तो दो तो सौ तो तेरह आर्टिकल दो तो सौ तेरह सेम जब संसद यहां पे स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है जब बजट मानसून हो जब तफरी चल रही हो या किसी कारण से लेजिस्लेचर अभी सेशन में नहीं है जैसे इधर था ना मैंने बताया था या तो तफरी चल रही है या कोई और भी कारण हो सकता है ना जिसमें सेशन को स्थगित कर दिया जाता है मतलब हाउलड़ मच रहा है संसद के अंदर में है ना तो पार्लियामेंट को उस टाइम के लिए डिस्टरप्ट हो रखी है पार्लियामेंट है ना तो वहां पर प्रॉब्लम है, है ना तो ऐसी अवस्था के अंदर में इस रूट का इस्तेमाल किया जाता है जब पार्लियामेंट के द्वारा कानून पास करना संभव ना हो तब राष्ट्रपति से ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस की उस कानून की बहुत जरूरत है ठीक है वो बहुत जरूरी है तो ऐसे में ये आता है इमरजेंसी के अंदर इमरजेंसी पावर है ये तो इसी प्रकार की इमरजेंसी पावर आर्टिकल 213 के अंदर किसके पास होती है दोस्तों ये गवर्नर के पास सेम इसमें भी मैक्सिमम सिक्स मंथ टाइम क्या है बिटवीन द टू सेशन दो सत्र के बीच का एंड सिक्स वीक जब एक बार वो सेशन में आ जाएंगे तो छह हफ्ते के अंदर में आइदर दे हैव टू तो अप्रूव दैट तो ऑर्डिनेंस तो और इट विल लैप्स लैप्स हो जाएगा आप इसमें भी कितनी बार भी उसको रिप्रमुगुलेट करा सकते हो बार बार ठीक है आप कानून नहीं बनाना चाहते क्योंकि कानून बनाने के लिए दोनों सदन की मंजूरी होगी वो एक लंबी प्रोसेस है ठीक है उसमें आपकी जो है वो भी हो सकती है स्क्रूटनी होती है ना फिर वहां पर तो तो अगर उनको उन चीजों से बचना है तो फिर वो बार बार कराते रहते हैं रिप्रोमोगट कराते रहते हैं तो क्या ऐसा होता है येस दिस इज ऑल्सो द ऑप्शन द सेम बात है ना जैसा इधर था वैसा इधर था ठीक है तो आसान हो गया आपके लिए आसान हो गया ना तो अब हमारी दो पावर कंप्लीट हो गई है एक तो एग्जीक्यूटिव पावर दूसरी लेजिस्लेटिव पावर कल की क्लास में बाकी बची हुई पावर को हम क्या करेंगे कोशिश करेंगे कल इसको खत्म करें ठीक है <coughs> उसके बाद हम फिर अगले आगे अगले पड़ाव पे चलेंगे तो इसी प्रकार से हम इसको डिस्कस करेंगे कवर करेंगे ठीक है <coughs> सक्षम वो बताऊंगा यार इमरजेंसी का भी आएगा ना यार इमरजेंसी की पावर जो है वो अलग से डिस्कस करूंगा ना <coughs> क्यों चिंता करो अभी पावर पूरी कहाँ हुई है एमरजेंसी प्रोविजन तो अलग से पावर है ना एमरजेंसी वाली पावर तो अलग से पावर है तो वो तो अलग से डिस्कस करेंगे तीन आर्टिकल होते हैं उसमें ठीक है तीनों अलग से पढ़ेंगे हम समझ पा रहे हो बात तो चिंता मत करो धीरे धीरे सब करेंगे एकदम से वो कहते हैं सिड़ा के खा तात्ता मत खा तो यहाँ तक समझ में आ गया तो दोस्तों मैं चाहूँगा एक बार फटाफट से आप वीडियो को लाइक करो देखो मैं कुछ ज़्यादा नहीं मांगता आपसे मैं सिर्फ ये कहता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक करना है शेयर करना है यार बाकी दोस्तों के साथ ठीक है आपको बताना है कि यार वहाँ पे क्वालिटी बढ़िया हो रही है सर पढ़ा रहे हैं मस्त पढ़ा रहे हैं ठीक है वहाँ से पढ़ के देखो और एक क्या है ना कि इस वीडियो के अंत में ना बस एक कॉमेंट करना है आपको है ना एक कमेंट जरूर करना है कि सर कैसा लगा ये कॉमेंट जो है ना आप ये समझ लीजिए मेरे लिए मतलब ये क्या बोलूँ मैं अमृत के समान होता है, है ना अमृत चला जाता है मेरे अंदर अगर आप सही टाइम पर अच्छे कॉमेंट आप करते हो तो ठीक है तो प्लीज़ डू कॉमेंट है ना आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं लाइक शेयर करना वीडियो को और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा कल मिलते हैं दोस्तों सुबह आज करंट अफेयर नहीं हो पाया था कारण मैंने बताया गणेश चतुर्थी थी हिंदू आया नहीं यार है ना बट कल हमारी क्लास होगी सुबह मॉर्निंग के अंदर सो डोंट वरी सुबह हम आएंगे सुबह आपसे मुलाकात होगी तो तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए हमें टेक केयर बाय बाय जय हिंद बच्चों कमेंट किए बिना मत जाना प्लीज़